सो आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक टुडे एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग और आई ओवरस्लेप्ट बहुत बहुत ज़्यादा। ये वाला जो एरिया है दैट इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट पीसफुल एरिया गोरेगांव का। टुडेज आउटफिट इज दिस फुआर का आई नो क्या बोलते हैं, आज लेग डे है एंड हर बार लेग डे के पहले आई जस्ट हैव द अर्ज टू टेक अ मैसिव डंप उसके बिना वर्कआउट नहीं होता। जिम के बाहर देयर इज दिस कैट जिसके तीन ही पैर है। आई थिंक ये these two know each other warna fair usually cats and dogs hi। So I was reading attached ye book maine khatam kar di and I started reading compound effect and iske ek section mein the magic penny the author explains that jaise ki imagine ki there are two choices आपको अभी के अभी $3 million दे दिए जाएंगे या फिर द सेकेंड चॉइसेस आपको एक छोटा सा एक मैजिक पेनी मिलेगा एक सेंट विच इज़ $1 का 100। सो ये वाला जो मैजिक पेनी है दैट विल डबल अप एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 30 डेज एंड आपको लगेगा कि 3 million जो ही है जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। ये वाला जो सिंगल जो भी डबल अप हो रहा है दैट वुडन बी एज बिग एज 3 million। सो 20 दिनों के बाद द सेकेंड फ्रेंड ओनली हैज़ $5,000 एंड द ऑथर एक्सप्लेन्स दैट ये पॉइंट के बाद धीरे धीरे जो भी कंपाउंड इफेक्ट्स का जो इफेक्ट है दैट स्टार्ट्स टू बिकम विजिबल एंड डे 29 पे पैसे ऑलमोस्ट इक्वल है। द फर्स्ट पर्सन हैज़ 3 million जो उसके पास 3 million थे, द सेकेंड पर्सन हैज़ 2.7 million यानी कि ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, बट ऑन डे 30 एंड डे 31 समथिंग जस्ट मैजिकली है। 29 पे वो जो 2.7 मिलियन था दैट बिकम्स 5.4 मिलियन एंड ऑन डे 31 इट बिकम्स 10.8 मिलियन यानी कि जस्ट इमेजिन द डिफरेंस बिटवीन 3 million एंड 10.8 million। आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक टुडे एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। एंड अ लेसन फॉर माई सेल्फ आपके लिए भी इज़ दैट अगर आप किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो एंड अगर आपको एकदम ही इमीडिएट ऐसे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे तो फिर डू नॉट गेट डिस्करेज्ड। वन डे एक दिन क्या होगा कि यू नो एक कोट है दैट आई रेड कि इट सीम्स लाइक नथिंग इज हैपनिंग एंड इट हैपेंस ऑल एट वंस। सो इट इज़ करेंटली 2 बजने वाला है एंड मेरा प्री वर्कआउट मील इज गोइंग टू बी ये 2 बादाम। सो आई जस्ट हैड अ हैवी लंच एंड ये 2 पीने के बाद आई एम गोइंग टू टेक अ क्विक 1 या फिर 1.5 आवर का नैप क्योंकि दोपहर को आई मिस स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, मेरा ऑफिस चालू हो जाता है 2 बजे। सो मुझे दोपहर को ऐसे सोने को कभी भी ऐसे मिलता नहीं है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन दैट क्योंकि आज वीकेंड है। सो गोइंग टू हैव दीज 2 एंड देन गोइंग टू स्लीप फॉर अराउंड 1 आवर और उसके बाद आई हैव अ फुल डे। सो या जिम में मिलता है। जस्ट गॉट टू द जिम और आई ओवरस्लेप्ट बहुत बहुत ज़्यादा। इट इज़ करेंटली 6 एंड जिम में मेरी भीड़ बढ़ने लगी थी बाई 6:30 में भीड़ बढ़ने लगती है। आई वॉज रियली होपिंग टू ट्रेन एट 4 या 3। आई वॉज गोइंग टू टेक अ 1 आवर नैप बट इट इज़ करेंटली 5:54 सो काफ़ी लेट हो गया। वर्कआउट करने का तो मन नहीं कर रहा बट आई एम हियर तो कर ही देता हूँ नाम उस फिल्म में।
सो फॉर सम रीज़न बता नहीं बट क्योंकि मैंने आज अच्छे से खाना खाया, अच्छे से सो के आया हूँ. पुलअप्स पहले विद ईच सेट दी यूज टू गेट थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट, बट राइट नाउ विद ईच इंक्रीजिंग सेट पुलअप्स आर गेटिंग ईजियर. एंड मैं आई एम ट्रेनिंग एट दिस आवर आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग. ये आवर पे आई ट्रेन बिफोर कोविड, क्योंकि इस टाइम पे मुझे यूजुअली ट्रेन करने को नहीं मिलता. सो या देखते हैं हाउ द वर्कआउट गोज, एंड अगर वर्कआउट स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही तो फिर आई थिंक सैटरडेज को आई वुड ट्रेन इन द आफ्टरनून, क्योंकि ये टाइम पे ट्रेन करने बहुत मज़ा आता है, बहुत नॉस्टैल्जिक लगता है. क्योंकि इस टाइम पे वी यूज टू ट्रेन कॉलेज के टाइम पे, वेरी वेरी सुपर नॉस्टैल्जिक. एट द चर्च एंड ये वाला जो एरिया है दैट इज़ प्रॉबली बांगुर नगर, ये वाला जो एरिया है दैट इज़ प्रॉबली द मोस्ट पीसफुल एरिया गोरेगांव का. एंड यहाँ पर मैं आना इतना मिस करता हूँ, क्योंकि आई लाइक टू, मैं यूजुअली सन सेट के टाइम पे आता हूँ, बट तभी मेरा ऑफिस होता है. सो यूजुअली सैटरडेज एंड संडेज को ही मैं यहाँ पे आ सकता हूँ. एंड आई मिस्ड अ फ्यू वीकेंड्स, एंड प्रॉबली बिकॉज आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ sunrise, sunset, nature में, and I wasn't able to do that. Probably मेरा mood ख़राब था, I'm not really sure. But यहाँ पर as you cannot see, पर wait let me zoom in, यहाँ पर you cannot see, but वहाँ पर sunset हो रहा है. Just look at the colors. I wish I could get another view, but उसके लिए मुझे और फिर 10 minutes walk करना पड़ेगा. Recording with the Canon and I'm very very surprised with its low light performance. इतने low light में मैंने सिर्फ एक light on है मेरे room में, and I'm just going to sip on हल्दी दूध. and ये weekend बहुत ज़्यादा busy था. Friday night को एक checklist बनाई थी कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, and when I woke up Saturday तभी I started with the smallest task, and this weekend was पता नहीं बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. I vlogged two times and मैंने वो दोनों vlogs edit भी कर लिए, मैंने वर्कआउट भी स्किप नहीं किया, मैंने बाकी की भी सारी चीज़ें जो करनी थी वो सारी चीज़ें कर ली. एंड आई वॉज एबल टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन बीइंग प्रोडक्टिव एंड टेकिंग आउट टाइम फॉर माई सेल्फ. क्योंकि यूजुअली मेरे साथ क्या होता है कि व्हेन आई एम बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रोडक्टिव एकदम स्टेट में, तो फिर आई एम नॉट एबल टू टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ, एंड वो मुझे एज हिट होता है अराउंड लाइक मंडे या फिर ट्यूजडे. एंड बट दिस वीकेंड आई वॉज एबल टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, क्योंकि मैंने मेरे लिस्ट में, जो कि मैंने लिस्ट मैंने आपको बताई, मैंने फ्राइडे को जो लिस्ट बनाई थी उसके अंदर आई हैड सम टाइम स्केड्यूल्ड फॉर माई सेल्फ, आई हैड सम एक्टिविटीज स्केड्यूल्ड फॉर माई सेल्फ, जो कि दैट एक्चुअली मेक मी फील ग्राउंडेड एंड मेक मी फील एट पीस. सो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप अगर एक चेकलिस्ट वगैरह बनाते हो दिन के लिए, तो फिर डू नॉट जस्ट इंक्लूड कि ये काम मुझे करना है, बट ऑल्सो इंक्लूड कि ओके मतलब एक घंटा मैं खुद के लिए निकालने वाला हूँ, एंड दैट वुड एक्चुअली हेल्प यू डू जो काम है दैट फॉर लॉन्गर, इफ दैट मेक सेंस. एंड जॉ लाइन भी मस्त लग रही है आजकल. आई डोंट नो आई एम लाइक हैवियर, बट जो जॉ इज लाइक ऐसे कमिंग इन. बट आई एम जस्ट गोइंग टू सिप ऑन दिस एंड आई विल जस्ट रीड फॉर अ वाइल. एंड या अगले वीडियो में मिलते हैं. आई थिंक आई होप दिस वीडियो इज नॉट लाइक टू लॉन्ग, बट या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.